लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। सीबीआई ऑफिसर सत्यदेव सिंह साहब, आपका और भाभी जी का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। हम पर जो जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, आपके आ जाने से वो दूर हो जाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? कलेक्टर भीम सिंह ने शहर के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। थैंक यू सर। जी हुजूर, आप ठंडा लेंगे या गरम? ऐसा करिए, आप ठंडा दे दीजिए और आप गरम दे दीजिए। पूरे 3 लाख रुपए हैं। कूल, वेरी कूल। जी आप साहब, झूंगा पहाड़ के नीचे एकदम नदी किनारे 20 एकड़ जमीन है मेरी, एकदम हार्ड प्रॉपर्टी, मैंने आपके नाम कर दिए साहब। मिस्टर सत्यदेव सिंह। सर, भीम सिंह के बारे में आपने जो खबर दी है वो सही है? सर, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भीम सिंह के बारे में मैंने जो कुछ भी बताया है वो बिल्कुल सही है। सर, मैं पर्सनली भीम सिंह जी को जानता हूँ, वो एक ईमानदार ऑफिसर है और बहुत अच्छे इंसान है। सर, मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान है। हाँ? इतने अच्छे इंसान तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। कलेक्टर साहब, मेरा साला शहर के बीचों बीच एक शानदार क्लब और होटल बनाना चाहता है, लेकिन वहाँ शांति बेन अनाथ आश्रम आड़े आ रहा है। आप लोग मेरी पोजीशन का बहुत फायदा उठाते हैं। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। खैर, हाँ जी, फायर ब्रिगेड, राजा राम जी, मैं कलेक्टर भीम सिंह बोल रहा हूँ। वो लाल चौक में शांति वैन अनाथ आश्रम है ना, वहाँ आग लग गई है। ओहो, लगी नहीं, यूं समझिए कि लग जाएगी। आप आराम से अपना फायर इंजन लेके 1 घंटे के बाद वहां पहुंच जाइए। तेरा काम तो हो गया। अरे ये सब भीम सिंह जी की मेहरबानी है। बोल लालू कसाई, कलेक्टर की कुर्सी के आड़े ये भीम सिंह और कौन कौन से धंधे करता है? कौशल्या, कौशल्या, ठाकुरों के यहां हमेशा बेटे पैदा होते हैं। हमारी 7 पुश्तें दूसरों की बेटियां विदा करवाकर जरूर लाई, लेकिन हमारी चौकट से कभी डोली नहीं उठी। तुमने भी वही परंपरा कायम रखी है। डॉक्टर ने सोनोग्राफी की रिपोर्ट दे दी है, शादी के 14 साल के बाद हमारे यहाँ बेटा पैदा होगा, मेरा बेटा। डॉक्टर की रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है, आजकल बेटों की खुशियाँ और बेटियों का दुखड़ा कोई नहीं रोता। दुनिया में कौन सा ऐसे बड़े से बड़ा काम है जो बेटियाँ नहीं कर सकती। मैम साहब, एक कमरा पहले ही खिलौनों से भरा पड़ा है और साहब इतने सारे और ले आए हैं, इन्हें कहाँ रखूं? मेरे बेडरूम के साथ वाले कमरे में रख दो। बेटे के लिए तुम्हारी दीवानगी जुनून की हद को भी पार कर चुकी है। मेरी दीवानगी तो तुम हो कौशल्या, और हमारा जुनून होगा हमारा बेटा। मैम साहब कहाँ हैं? जी अंदर हैं। दो दो तोहफे आज मेरे लिए। अरे तुम जो मुझे दो दो तोहफे देने वाली हो, तो उन तोहफों के लिए ये तोहफे लाया हूँ। अच्छा। क्यों जी, क्या एक बच्चे की खुशी काफी नहीं है इस घर के लिए, जो तुम जुड़वा की उम्मीद लगाए बैठे हो? वो इसलिए गंगा कि मैं जानता हूँ कि एक बच्चे को जन्म देने में औरत को कितने कष्ट होते हैं। अच्छा। और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी में इस दर्द को दोबारा सहो। अब मुझे ये बताओ कि अगर हमें जुड़वा बच्चे हो गए तो तुम उनका नाम क्या रखोगे? एक का नाम श्याम और दूसरे का घनश्याम। एक सच बात कहूं गंगा, तुम मेरी शक्ति हो। अरे आज तो भक्ति की रात है, तुम अचानक शक्ति की ओर कहां चल दिए? गंगा, दिवाली की आज की ये रात
काला बाजारी और जनता को धोखा देने वालों की बही खातों की पूजा करने की आखिरी रात है। कल उन पर कहर बनकर जो टूटेगा उसका नाम है सीबीआई अफसर सत्यदेव सिंह। धोखाधड़ी और घोटालों के सिलसिले में मैं जिन लोगों को गिरफ्तार कर चुका हूं कलेक्टर साहब, वो बेचारे तो हमारे फर्स्ट डिग्री इलाज पर ही तोते की तरह बोलने लगे हैं। मुझे एक इत्तला मिली है कलेक्टर साहब कि उनके साथियों का एक जत्था आपके पास फरियाद लेकर आया था। इन सारी साजिशों के पीछे जो सबसे बड़ा गुनहगार है, जिसके शहर पर इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं, वो आप हैं कलेक्टर भीम सिंह। आप कुछ ठंडा लेंगे या गरम? हमारी भाषा में ठंडे का मतलब है हार्ड कैश और गरम का मतलब हॉट प्रॉपर्टी। वाह, रिश्वत का ये नया अंदाज मुझे पसंद आया। ऑफिसर, तुम क्या समझते हो कि धोखाधड़ी और घोटालों के केसेस का रुपया वापस गवर्नमेंट के खजाने में चला जाएगा? नहीं, एक केस के बाद दूसरा केस खुलेगा, दूसरे के बाद तीसरा। हर केस के लिए एक जांच कमेटी बिठाई जाएगी, लेकिन होगा कुछ नहीं। छोड़ो इन दुकड़ों को और अपनी सोचो, अपना ही दर्द मिटा लोगे तो बहुत बड़े हमदर्द बन जाओगे। नहीं नहीं, मेरे साथ हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं कलेक्टर साहब। पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद अपनी पहली तनख्वाह से मैंने 6 मीटर कफन का कपड़ा खरीद लिया था, और आज तुम जैसे देशद्रोहियों को कुचलने के लिए मैं वही कफन अपने सर पर बांधकर यहाँ आया हूँ। तुमसे पहले इस शहर में सरफरोशी के नारे लगाने वाले पता नहीं कितने ही पुलिस ऑफिसर आए, भौंके और बेमौत मारे गए। बड़ों की सलाह मानो, अपना तबादला किसी दूसरे शहर में करवा लो। कलेक्टर साहब, मैं अपनी वर्दी की कसम खाकर कहता हूं कि आने वाले 24 घंटों के अंदर अंदर मैं खुद तुम्हें इसी शहर में गिरफ्तार कर लूंगा। अपने वफादार कुत्तों को जरा होशियार कर देना कि वो अभी से तुम्हारी पहरेदारी शुरू कर दें।